Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. This is your SST lecture. Hope you all are fine and safe at home. My dear little kids, today we are going to complete number 11 Muslim rule in the subcontinent. As you know, that we have already started this unit. Now, today we will reading an explanation of page number 78 and 79. सो so, बेटा प्लीज़ टेक आउट योर बॉक्स एंड मैंशन डेट एंड डे ऑन पेज नंबर सेवेंटी एट एंड सेवनटी नाइन ऑन पेज नंबर सेवनटी एट विल स्टार्ट अबाउट द मुगल्स बिफोर स्टार्टिंग द मुग़ल्स आई वॉन्ट टू टेल यू एंड गिव यू रिमाइंडर दैट द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली वॉज दिल्ली सल्तनत वॉज इब्राहिम लोहती जैसे कि हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट किंग है उसका नाम था इब्राहिम लोधी एंड इब्राहिम लोधी रूल्ड फिफ्टी वन टू फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स तक उसने हुकूमत की थी इब्राहिम लोधी हैड बिकम द सक्सेसर इन द लोधी डायनेस्टी बट देर नोबल्स इन द कोर्ट हिज ब्रदर टू कम टू द द्रोन अब इब्राहिम लोधी जो है उसने जितनी भी लोधी शहनशाहिए थी मतलब डायनेस्टी का मतलब होती है ख़ानदानी बादशाह जो बेटे के बाद बाप बाप के बाद बेटे को और उसके बाद उसके बेटे को मिलती है उसमें वो कामयाब तरीन रहा था उसके कोर्ट में उसकी अदालत में दरबार में जितने भी उसके लोग थे वो चाहते थे कि उसके बाद उसके भाई को उस तख्त पर बिठाया जाए हिज़ अंकल दौलत ख़ान दैन आक्स बाबर टू हेल्प हिम इन रिमूविंग इब्राहिम लोधी लेकिन उसके जो चचा थे उन्होंने बाबर को अपनी मदद के बुलाया बुलाया कि वह इब्राहिम लोधी को शिकस्त दें और यहाँ से निकाल दें और यहाँ पर बाबर अपनी हुकूमत कायम कर लें बाबर हैड कम वेल प्रिपेयर फॉर बैटल विद ट्वेल्व थाउजेंड वेल ट्रेनड सोल्जर्स अब बाबर जो है वो अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ बुरी तैयारी के साथ बारह हज़ार सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के लिए बाबर सर टाइम पीरियड स्टार्टेड फ़िफ्टीन ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टीन थर्टी बाबर इन फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स द किंग ऑफ काबुल बाबर मार्स्ट इन टू इंडिया विद अ वेल ट्रेन आर्मी ऑफ ओनली ट्वेल्व थाउजेंड मैन बाबर वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड ही डिफिटेड इब्राहिम लोधीस आर्मी मच लार्जर आर्मी ऑन द प्लान ऑफ पानीपत और बाबर जो है पंद्रह सौ छब्बीस में उसकी हुकूमत जो है वो स्टार्ट हो गई थी और उसने सबसे पहले अपनी बेहतरीन आर्मी के साथ जो थी और बारह हज़ार लोगों के साथ उसने इब्राहिम लोती की आर्मी जो थी वो सतादात तादाद में कहीं ज़्यादा थी उसको पानीपत के मैदान में शिकस्त दी ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन द सब कॉन्टीनेंट इब्राहिम लोधी के बाद जो मुग़ल सल्तनत क़ायम हुई थी उसमें सबसे पहले जो है वो बाबर था तो मुग़लिया सल्तनत का जो बादशाह है सबसे पहले जो बनाने वाला है वो बाबर है बाबर डाइड इन फिफ्टीन थर्टी बाबर ने पंद्रह सौ छब्बीस से हुकूमत कायम की थी और उसका दौर हुकूमत जो है वो पंद्रह सौ तीस में जब उसकी वफ़ात हुई थी तो ख़त्म हो गया था और उसके बाद वो रियासत जो एम्पायर है वो उसके बेटे को ट्रांसफ़र कर दी गई थी नाउ हम हमारियों रूल फ्रॉम फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन फोटी ने पहले पंद्रह सौ तीस से पंद्रह सौ चालीस तक हुकूमत की थी बेस uh, लेकिन उसके दरमियान में थोड़ा गैप आ गया था और उसके बाद फिफ्टीन फिफ्टी फ़ाइव से फ़िफ्टीन फिफ्टी सिक्स तक उसके दफा फिर से हुकूमत की थी हमारियों वॉज़ द सन ऑफ पाबर बाबर का बेटा था ही वॉज़ अ वीक रूलर हु वॉज डिफीटेड बाई एन अफगान जनरल शेर शाह सूरी इन फ़िफ्टीन फोटी कह रहे हैं कि ये हुरान जो है जो बाबर का बेटा है हमारी ये जो है बहुत कमज़ोर हुरान था ये हुकूमत नहीं कर पा रहा था निज़ाम नहीं चला पा रहा था तो एक अफगान जनरल जो है शेर शाह सूरी उसने पंद्रह सौ चालीस में इसको शिकस्त दी हमारे यू लिफ्ट इन एक्साइल इन पर्शिया एंड रिकवर दिस हिस किंगडम इन फ़िफ्टीन फिफ्टी फाइव आफ्टर शेर शाह डेथ अब हमाइयों को उसने परशिया में जलावतन कर दिया था मतलब परशिया में क़ैद कर दिया था और उसकी शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद पंद्रह सौ पचपन में फ़िफ्टीन फ़िफ्टी फ़ाइव में हमाइयों ने दोबारा से सारा कंट्रोल संभाल लिया था आफ्टर दैट अकबर अकबर रूल फ्राम फ़िफ्टीन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटीन हंड्रेड फाइव अकबर ने पंद्रह से लेकर सोलह सौ पाँच तक हुकूमत की अकबर वाज द सन ऑफ हमाइँ जैसे कि हमने पढ़ा था कि अब बाप के बाद बेटे और उसके बाद उसके बेटे की टर्न शुरू होती है तो इसी तरह अकबर जो है वो हमाइयों का बेटा था हमाइयों की डेथ के बाद अकबर को रूलर बना दिया गया ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुग़ल किंग जितने भी मुग़ल हुमरान आए थे उनमें सबसे ज़्यादा अजीम बड़ा और बहादुर जो है वो अकबर था अकबर रूल कैपेबिली कैपेबली फ्रॉम 1556 टू 1605 अकबर ने बहुत ही काबिलियत से बहुत ही अच्छे तरीके से 1556 से 1605 तक हुकूमत की ही एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड वाज नॉन टू बी अ ब्रिलियंट जर्नर हु नेवर लॉस्ट बैटल अकबर ने अपनी जो सल्तनत है एक्सटेंड का एक्सपेंडेड का मतलब होता है उसको बढ़ाना वसी किया उसको और उसमें इलाके शामिल कर लिए वो ना तो ना सिर्फ एक जहीन जनरल था बल्कि उसने आज तक कभी कोई जंग नहीं हारी थी उसने हमेशा हर जंग में फ़तह हासिल की थी जहांगीर सिक्सटीन जीरो फ़ाइव टू सिक्सटीन टवेंटी सिक्स अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया था एंड जहांगीर रूल फ्राम सिक्सटीन फाइव टू सिक्सटीन टवेंटी सेवन जहंगीर वॉज द सन ऑफ अकबर अकबर का बेटा था अकबर वॉज फॉलोड बाई हज सन जहांगीर हो रूल फ्राम सिक्सटीन फाइव टू सिक्सटीन अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने उसकी बनाई हुई हुकूमत को कायम रखा और 1605 से 1627 तक जहांगीर ने हकूमत की आफ्टर जहांगीर, शाहजहां शाहजहां रूल फ्राम 1628 ट्वेंटी एट टू सिक्सटीन शाहजहां वॉज द सन ऑफ़ जहांगीर. अब शाहजहां जो है वो जहांगीर का बेटा था बिल्ड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल यू कैन सी द इमेज दिस इज ताजमहल is ताज रूल Mahal. सिक्सटीन ट्वेंटी एट टू सिक्सटीन फिफ्टी एट अब उसने दुनिया की बेहतरीन एक अजीम बिल्डिंग तामीर की थी ताजमहल जो बहुत मशहूर है फॉरनर्स भी आते हैं उसको एडमायर करते हैं और दिल्ली में है आगरा में तो ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी वाइट स्टोन से बनी हुई सिक्सटीन ट्वेंटी एट से सिक्सटी फिफ्टी एट तक शाहजहां ने हकूमत की वेन ही वॉज वेरी इल जब वो और बीमार हो गया अपने दौरान हुकूमत हि सन औरंगजेब टुक ओवर द मुग़ल थ्रोन थ्रोन का मतलब तख्त है और उसका बेटा जो था औरंगजेब उसने जब बाप बीमार हो गया तो उसने मुगलिया तख्त का कंट्रोल संभाल लिया उसने उसको हैंड ओवर कर लिया शाहजहाँ पुट अंडर हाउस अरेस्ट एंड ही डाइड इन सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स शाहजहाँ जो है वो अपने घर में कैद रहा और उसके बाद सोलह सौ छियासठ में जब उसकी वफ़ात हो गई तो मुस्तकिल तौर पर शाहजहां वहाँ का शहशाह रूलर बन गया शाहजहां औरंगजेब औरंगजेब रूल फ्रामी एट टू सेवनटीन हंड्रेड सेंगजेब औरंगजेब वॉज द सन ऑफ शाहजहां औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था ही रूल फ्रामी एट टू सेवनटीन हंड्रेड सेवन उसने सोलह सौ अठावन से सत्रह सौ सात तक हुकूमत की ही एक्सटेंडेड दम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट लिमिट सॉरी एक्सपेंडेड है वर्ल्ड पी स्पेंडेड द मुग़ल एम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट लिमिट्स उसने अपने दौरेकूमत में मुग़लिया रियासत जो थी जो सल्तनत थी उसको बहुत वसी कर बहुत दूर तक फैला दिया था बहुत सारे करीबी इलाके उसमें शामिल कर लिए थे वॉज ओपन वॉर विध राजूत एंड मराठा लेकिन वो अक्सर राजपूत और मराहठा के साथ जंग में मशरूफ़ रहता था मशगूल रहता था हर वक्त जंग में ही रहता था विच वी द एम्पायर जिसकी वजह से उसकी रियासत जो है जो उसकी सल्तनत है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी क्योंकि जंग जो है वो मुल्क के हालात को कमज़ोर कर देती है ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर ऑन दब कॉन्टीनेंट मुगल जितने भी अम्पायर थे हमने उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है कि उनके नेम क्या थे कौन किसका बेटा था और उसने कितने साल तक हकूमत की अब इसका मुग़ल यहाँ दौर हकूमत जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है मुग़ल अम्पायर सब बड़े सगैीर में उसका क्या इम्पेक्ट हुआ क्या असर हुआ द मुग़ल किंग्स डिड मच फॉर द सब कॉन्टीनेंट मुग़ल जो जितने भी किंग थे उन्होंने बरे सगीर के लिए बहुत सारा काम किया द यूनाइटेड मैनी स्मॉल स्टेट इन ओ ह्यूज एम्पायर उन्हें बहुत छोटी छोटी रियासतों को बनाकर एक बड़ी सल्तनत बना दी थी द सेटअप प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एड एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने गवर्नमेंट का और इंतज़ामिया का मतलब जो कंट्रोल संभालते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो इंतज़ाम संभालते हैं बहुत अच्छा एक प्रॉपर सिस्टम कायम किया था कि किसने कौन सा काम करना है द लुक्ट आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्टेड देयर रिलीजियस बिलीफ वो जो है ना सिर्फ़ उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम करते थे बल्कि उनकी दौर में जितने भी गैर मज़ाहब के लोग थे उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती थी ड्यूरिंग देयर रिजन द मुगल्स इंट्रोड्यूस्ड अ मारवलस कल्चर टू द रिजन मैनी ग्रेड बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डन वर लेट लिटरेचर पोट्री म्यूजिक एंड आर्ट फ्लोरिस्ट मुग़लिया सल्तनत में ना सिर्फ उन्होंने खूबसूरत इमारत तमीर किए जो आज तक शाहकार हैं लोग उनको देखने आते हैं एडमायर करते हैं बहुत ही ख़ूबसूरत गार्डन तामीर किए लाइक शालमार गार्डन भी है और उसके अलावा उन्होंने अदब में शायरी में म्यूज़िक में और फ़नून आर्ट में बहुत सारा काम किया द मुग़ल्स वर टॉलरेंट रूलर्स पार्टिकुलरली अकबर एंड जहांगीर वगैरह के मुग़ल जितने भी शहनशाह थे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले सब्र करने वाले थे इस तरह किसी जुल्म नहीं करते थे उनमें जो ख़ास नाम है वो अकबर और जहांगीर का था जो बहुत ही साबिर थे सब्र से काम लेने वाले थे बेानतहा किसी पर जुल्म नहीं करते थे द मुग़ल एम्पायर वज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स वर्ल्थ एंड कल्चर मुग़ल एम्पायर भी मुग़ल संतला जो है रियासत जो है वो पूरी दुनिया में अपने कल्चर और अपनी दौलत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी एक तो उनका आर्ट और दूसरा उनके पास था पैसा था जिसको कुछ लोगों ने मुग़लों ने तो उसको अपने ज़ाती और आमो पर खर्च कर दिया लेकिन कुछ ने उसे बहुत खूबसूरत इमारत बनाई जो आज भी काबले तारीफ है ओके स्टूडेंट्स ना ओवर लेक्चर एंड ओवर लेसन इज़ कम्प्लीटी In our next video lecture, we will discuss the worksheet and the work page. Uh, so, today our lecture is completed, and you have to learn the objective work from this page, page number 78 and 79. Okay, students, Allah Hafiz.